back to my channel and welcome back to video number 1 of की दिवाली फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लगा इंट्रो लेट मी नो इन द कॉमेंट डाउन बिलो आज मैं दिवाली की फर्स्ट वीडियो की शुरुआत करने वाली हूँ एक होम डेकोर हॉल से ना दिवाली एंड हाउस डेकोर और घर को सजाना घर को साफ करना गोज हैंड इन हैंड दिस इज अ ट्रेडिशन ऑफ आर दिवाली एटलीस्ट लाइक like मैं हर साल दिवाली पे कुछ ना कुछ छोटी चीजें ला अपने घर को एक नया लुक जरूर देती हूँ कुछ मंथ्स पहले मैंने आपको होम डेकोर हॉल दिखाया था जो कि मैंने अमेजोन से लिया था ना दिस टाइम मेरे घर के अराउंड में ऐसे घूम रही थी एंड मुझे दिखा कि

तो आप लोगों को दिखाया था कि मेरे पास इतने सारे रियल प्लांट्स हैं बट सैडली मेरे इस स्टूडियो में वो प्लांट्स ज्यादा टाइम तक जी नहीं पा रहे थे और वो मुरझाने लगे थे क्योंकि चाहे इंडोर प्लांट्स भी होना तो उनको थोड़ी सी सनलाइट की जरूरत होती है दिन में एंड पे कोई भी विंडो नहीं है डोंट वरी मेरे सारे प्लांट्स पिगी बेबी वन बेबी टू सब जिंदा है वो मैंने अपने ड्रॉइंग रूम में लगाए हुए हैं बट इस स्टूडियो में थोड़ी ग्रीनरी एड करने के लिए मुझे फेक प्लांट्स लेने पड़े एंड यू गाइस कैन सी कितना सुंदर लग रहा है ये जनकपुरी वेस्ट के बाद उत्तम नगर आता है वहां पे आकाश इंस्टीट्यूट है और उसी के साइड में वेस्ट साइड स्टोर है मैं वहां गई थी ये सब लेने सो दिस द वन दैट आई गॉट एंड पीछे आपको, ये ये so, आपको रोज गोल्ड में है कुछ गोल्डन में है सिल्वर पॉट्स भी थे और उनके पास जूट वाले पॉट्स भी थे अगर आपको एक चिल्ड आउट रिलैक्स वो वाइब चाहिए मेरे स्टूडियो में बहुत ही ज्यादा गोल्डन वाइब्स है सो दिस इज द वन दैट आई गॉट ये प्लांट्स आई गेस सिक्स या सिक्स नाइनटी का था इज नॉट दैट बैड कंसिडरिंग द क्वालिटी लाइक इट लुक सो फ्रिकिंग क्यूट एंड अमेजिंग एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट्स है क्योंकि आई डोट नो ये इतना छोटा एंड मैं इसको कहीं भी बैकड्रॉप पर डाल सकती हूँ बहुत अच्छा लगेगा एंड देन द प्लांटर दिस वन आई थिंक इट वॉज फॉर अराउंड नाइन हंड्रेड और थाउजेंड रुपीज प्लांटर्स महंगे होते हैं बट मैंने देखा है कि होम सेंटर में अगर आपको ऐसे प्लांटर्स लेने हो तो वो 2000 से कम नहीं आते सेल पे भी आपको 1500 सो सत्रह के मिलेंगे सो आई थिंक के 900 या हजार रुपए का ये प्लांटर विद द स्टैंड एंड एवरी थिंग इज अमेजिंग एंड इससे आपके रूम को एक बहुत ही रॉयल लुक मिल जाता है तो इसको मैं इसके अंदर से डाल के एक बहुत ही रॉयल एंड क्लासी लुक दे सकती हूँ एंड सेम गोल्स फॉर ऑल दीज प्लांट जो मैं लेके आई हूँ सो दिस वन दैट आई हैव राइट हेयर इसका थोड़ा बड़ा स्टैंड है एंड आई थिंक ये था कुछ ग्यारह सौ रुपये का बड़ा वाला स्टैंड एंड ये प्लांट भी थोड़ा बड़ा है लाइक यू गाइस कैन सी कंपेयर टू दैट वन ये थोड़ा बड़ा है तो आई थिंक ये मुझे नौ सौ या हज़ार रुपए का फिडली फिक प्लांट पड़ा एंड टोटल ऐसे इसको कंबाइन करके बहुत ही प्यारा लुक देता है सो मुझे काफी अच्छा लगा टू बी रियली ऑनेस्ट इतना बड़ा स्टैंड है ये और इतना ज्यादा स्लीक एंड प्रिटी लुक देता है सो आई फील लाइक मुझे ग्यारह सौ रुपए बिल्कुल महंगा नहीं लगा इसके लिए दिस इज समथिंग दैट विल लास्ट मी फॉर ईयर्स सो ग्यारह सौ रुपए अगर आप एक होम डेकोर चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो आई फील लाइक ये पाँच दस ग्यारह साल अच्छे से चल जाएगा ये भी एक बहुत ही सुंदर प्लांट है एंड इससे तो मुझे एकदम ऐसे अलोहा हवाई टाइप की वाइब आ रही है इसका ये गमला थोड़ा सा छोटा है एंड ये वाला जो आप देख रहे हो

फ्रॉम दीज बिग प्लांट्स आई ऑल्सो गॉट टू क्यूट लिटिल प्लाट्स जो मैं अपने ड्रॉइंग रूम में लगाना चाहती हूं तो मेरे ड्रॉइंग रूम की काफी ग्रे ब्राउन वॉमटोन वाइप है एंड उसके साथ ये वाला कलर के लीवस बहुत ज्यादा अच्छे जा रहे थे इफ यू गाइज रिमेंबर फ्रॉम माई हाउस स्टोर मेरे यहां पर एक बहुत बड़ा वुडन कैबिनेट है जो काफी खाली रहता है और उसमें हम छोटे मोटे कैंडल्स रखते हैं बट आई वॉन्टेड टू एड सम ग्रीनरी टू इट एंड देट इज वाई आई गॉट दिस वन राइट हेर एंड दीज आर द लास्ट प्लांट्स में और प्लांट्स आप लोगों को नहीं दिखाने वाली लाइक like, मैंने टैग अभी लगा के रखा है एंड देवर फॉर टू थ्री हंड्रेड रुपीज तो so छह सौ रुपए में दो क्यूट प्लांट्स आ गए जो आप कहीं भी अपने कॉर्नर में लगा के अपना खुद का जंगल बना सकते हो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं अपनी मॉम के साथ गई थी मेरी मॉम को भी बहुत सुंदर लगे वाले सर ड्रॉइंग रूम में एड करने के लिए मेरी मॉम ने एक कैंडल स्टैंड भी लिया ये मेरी मोम को बहुत पसंद आया था दिस इज मल्टीपर्पज अगर आपके घर में डोर है एंड वहां पे थोड़ा ऐसे नेल लगा हुआ है तो आप इसको टांग भी सकते हो तो बहुत ज्यादा प्रिटी लगता है ऐसे एंड एज इट इज आप इसको रख भी सकते हो दिस वॉज फॉर फोर हंड्रेड रुपीज एंड ये काफी अच्छा है चार सौ में फ्रॉम वेस्ट साइड होम सी इसमें अलग अलग तरह की लाइटें रिफ्लेक्ट होती है एंड इट इज सो प्रिटी लाइक ओमा गॉड यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे लॉक दिया हुआ है जो कि ऐसे खुल जाता है अंदर इसके एक कैंडल स्टैंड है जो so इसके अंदर आप वो छोटे से दिया और कैंडल रख सकते हो एंड इसको अगर आप ऐसे छोड़ दो तो ये अलग अलग जगह से अलग अलग लाइट रिफ्लेक्ट करता है एंड आई फील लाइक दिवाली में दिस इज सच अ मस्ट में नॉट बैड एट ऑल एंड मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्रटी लगा और रेड्स ऑफ द लास्ट होम डेकोर पीस दॉड जो मैं अपने बैकड्रॉप में या स्टूडियो में यूज करूंगी इज अना गोल्डन थिंग आई एम अपसेस्ड विद गोल्ड दिस इज अट होम की गोल्डन क्लॉक वॉच घड़ी ये रखने वाली ऐसे स्टैंड वाली है सो so आप इसको अपने टेबल पे रख सकते हो पीछे मैं बैकड्रॉप पे इसको हटा के या फिर वो क्वर्की के क्यू को हटा के कहीं भी रख सकती हूँ इसे बहुत ही अच्छा गोल्डन एलिमेंट होगा दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक एंड काफी सुंदर है ये काफी स्लीक है एंड इसका ये जो गोल्ड है वो भी काफी अच्छा है द वन थिंग दैट आई हैव टू से अबाउट वेस्ट साइड स्टोर इज दैट अगर आप उनके स्टोर में फिजिकली जाकर शॉपिंग करोगे दर सेल्स पर्सन आर वेरी लाइक काम एंड काफ़ी हेल्पफुल है वो लोग क्योंकि अगर मैंने ये भी घड़ी एक सिलेक्ट की थी तो देवर लाइक हम चेक करा देते हैं ये वर्किंग है या नहीं है एंड जैसे ही मैं चेक कराने गई वो घड़ी जो मैंने चूज़ की थी वो चल नहीं रही थी सो दे रिप्लेस इट एंड उन्होंने मुझे चलती फिरती अच्छी um, टिप टॉप घड़ी दी एंड वैसे ही उन्होंने ये जो कैंडल uh, होल्डर है उसका भी लॉक एंड सब कुछ अच्छे से चेक कराया था ताकि आगे कंप्लेन ना आए ओके सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम घर के आइटम्स लाइक रैंडम थिंग्स जो मैं लाई दिस इज़ अ टाल वहाँ पर टाल्स की बहुत ज़्यादा वेराइटी थी एंड

interested in a Westside home towels and bed sheets. Speaking of bed sheets, I got two bed sheets this time. आई फी लाइक बेडशीट्स आर द ओनली थिंग्स जिनमें मम्मी और मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं वी लव गुड बेडशीट द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉड ये मेरी सिलेक्शन है बिकॉज इसमें आप देख सकते हो चेरी ब्लॉसम बने हैं आई हैव अ चेरी ब्लॉसम टा टू राइट हेयर आई लव इट सो मच सो या दिस इज द वन दैट आई गॉड ये सबसे बड़ा साइज है किंग बेड का क्योंकि हमारा जो बेडरूम का बेड है वो काफ़ी बड़ा है ह्यूज है सो so, हमें किंग साइज़ ही चाहिए होती है बेड शीट्स नहीं तो काफ़ी छोटी हो जाती है और वो ठीक से बिछती नहीं है एंड वो निकलती रहती है वी हेट दैट सो दिस इज द वन दैट आई गॉड इज थिंक विद इवन वेन वी डेंट हैनी जब हमारे बहुत ही मंदे दिन चल रहे थे तब भी हम लोग दिवाली में पैसे इकट्ठे करके एक बेडशीट जरूर लेते थे दिस इज लाइक माई फैमिली ट्रेडिशन हम दिवाली में हमेशा नई बेडशीट बिछाते हैं दिवाली वाले दिन सो so, हमें दो चाहिए थी क्योंकि अब मेरे पास भी एक डबल बेड है सो आई थिंक ये वाली मैं अपने बेड पर बिछाने वाली हूं बिकॉज आई लव द चेरी ब्लॉसम डिजाइन ऑन इट सो फॉलोमी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप लोगों को दिवाली पे देखना है कि मेरा बेड वगैरह कैसे लग रहा है मॉम को ये लीफ एंड थोड़ा Natural, बहुत पसंद है मम्मी ने अप्रूव किया कि हमें ये बेडशीट्स ले लेनी चाहिए सो दैट वी गॉट सो नेक्स्ट अप किचन आइटम्स आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस बिकॉज आई डोंट नो गायज मैं पूरी ऐसे घरेलू होते जा रही हूँ मुझे किचन आइटम्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है आइट रियली डोंट नो गाय द फर्स्ट एंड द मोस्ट सिंपल थिंग दैट आई गॉट इज अपकिन और अ पेपर होल्डर ये हमने अपने गेस्ट के लिए रखा है लाइक ड्रॉइंग रूम में आई फेल्ट लाइक कोई भी आता है खाने इवन अनिंदिता इज विजिटिंग ईशान इज विजिटिंग और uh, मेरे मॉम के रिश्तेदार आ रहे हैं सो वी रियली नीड समथिंग लाइक दिस जिसमें हम टिशू पेपर रख के दे सके बिकॉज किचन से जाके लाना इज नॉट अ ग्रेट डील एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वी डेंट हैव अ गुड काइंड ऑफ अ टिश्यू होल्डर सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा दिस वॉज वेरी इनएक्सपेंसिव दिस वॉज फॉर टू फिफ्टी रुपीज सो टू फिफ्टी रुपीज में इट्स नॉट बैड एट ऑल द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम वेस्ट साइड होम आर दीज टू ह्यूज बोल्स कटोरीज लाइक ये कटोरी और बॉल के बीच का मीडियम साइज है दिस इज फॉर लाइक अगर हमें पास्ता सर्व करना हो किसी को या फिर घर में कोई आए मेहमान उनको मिठाई या फिर नमकीन देनी हो सो so, ये काफी ज्यादा अच्छी सर्विंग बॉल्स um, बनते हैं एंड आई रियली लाइक कि इनका कोई एक टिपिकल राउंड डिजाइन नहीं है लाइक like, अगर आप देखो पास से तो ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होके जा रहा है विच जस्ट गिव्स इट अ वेरी लाइक केयर फ्री वाइफ एंड मुझे कलर पीच बहुत ज्यादा प्यारा लगा इसमें बहुत सारे कलर्स थे ब्लैक था ब्लू था बेबी पिंक था बेबी पिंक भी मुझे बहुत अच्छा लगा था बट सिंस um, मेरे घर की थोड़ी वॉर्म टोन्स है सो हमने पीच ले लिया इसके ऊपर आपको एक गोल्डन टाइप का कोड दिया हुआ है इसके सर्कम फ्रेंड्स पे एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक हमने ये दो ली क्योंकि एक लेने का क्या फायदा एंड दीज बर लाइक चार सौ रुपये की थी सो so आठ सौ रुपये ही हम खर्च पाए वी डेंट वॉन्ट कि हम चार ले लें एंड यू you नो know, बहुत ही ज्यादा वेस्टेज ऑफ वनी हो जाता है सो वी थॉट के पहले दो लेकर देखते हैं अगर पसंद आई तो फिर दो और ले लेंगे दैन नेक्स्ट थिंग दैट ए गॉड इज़ अ चॉपिंग बोर्ड ओ माई गॉड मैं कब से एक अच्छा चॉपिंग बोर्ड अपनी मम्मी के लिए लेना चाहती थी एंड इस बार हमें मिल गया सो दिस इज द वन दैट वी गॉड इट्स द परफेक्ट लेंथ परफेक्ट विथ हमें हमेशा लाइक like, आप लोगों को पता है मैंने जो अमेजोन से मंगवाया था उसके यहाँ से ऐसे थोड़े छिलता निकल रहे थे जो कि उंगली में चुभ सकते थे एंड देन uh, वो इतना मतलब हाफ साइज था इतना टाइनी था जिसमें सब्जियाँ से फैल जाती थी ले लिया दिस वॉज फॉर रुपीज सिक्स हंड्रेड एंड आई डोट नो लाइक एमेजॉन पर ठीक है सस्ते आपको तीन सौ चार सौ में मिल जाएंगे बट वो क्वालिटी नहीं मिलती जो आपको किचन में एक अच्छी चॉपिंग बोर्ड में चाहिए सो आई वुनेटली रिकमेंड अगर आपको एक वुडन अच्छा चॉपिंग बोर्ड चाहिए तो आप वेस्ट साइड से ले सकते हो दिस ऑल्सो हैज ए वेरी क्यूट हैंडल जिसको आप कुंडे में ऐसे टांग सकते हो किचन में नहीं तो आप इसको ऐसे टिका के कहीं रख सकते हो इट हैज वेरी क्यूट लाइक गोल्डन सॉर्ट ऑफ वाइव यूगा इसके मुझे काफी अच्छी लगती किसी भी चीज में अगर गोल्डन फिनिशिंग हो जाए ना दैट जेनुनली अट्रैक्ट मी ओके द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज रैंडम बट मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगी सो आर कंटेनर्स शुगर एंड कॉफी टी का भी था वहां पर बट इस स्टाइल में नहीं था किसी और स्टाइल में था सो so मैंने शुगर एंड कॉफी ले लिया एंड आई जस्ट फील लाइक इससे किचन की एक अच्छी सिमिट्री बन जाती है अगर आपके सारे जो कंटेनर्स हों वो एक कलर कोडेड हो या फिर कुछ क्वर्की सा उसमें लिखा हो सो so मुझे ऐसे टैग uh, वाले बहुत अच्छे लगते हैं एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट डेयर एयर टाइट सो दिस इज द लॉक राइट हेयर अगर आपको नीचे से इसको खोलना है ये ऊपर वाला ऐसे हट जाता है एंड देन इट ओपन एंड इसमें हमने थोड़ी सी चीनी रखी भी हुई है आई हैव टू रीफिल दिस सो दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक इसको आप फिर से ऐसे चढ़ा के बंद कर सकते हो लाइक दिस एंड ये एयर टाइट हो जाएगा दिस वॉज फॉर थ्री हंड्रेड रुपीज सो छः सौ में आपको ये शुगर एंड कॉफी का पैक मिल रहा है विच आई थिंक इज अ ग्रेट डील अगर आपको अपनी किचन ऐसे थोड़ा सिमिट्रिकल um, बनानी है तो एंड देन द लास्ट थिंग दैट आई गॉट इज दिस वन दिस इज़ अ फॉक एंड स्पून होल्डर जिसमें ये साथ में कॉम्बो में आते हैं एंड आपके पास ये होल्ड करने का भी है सो इसको भी आप कहीं टांग सकते हो नहीं तो आप एक फ्लैट सरफेस पे रख सकते हो दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक यहाँ पे हम फोक्स रखते हैं यहाँ पे हम स्पूंस रखते हैं वाई एम आई एक्सप्लेनिंग दिस लाइक अ किंगो गार्डन टीचर अगर मैं कुक विथ कर्की सीरीज में कोई भी वीडियो बनाऊंगी तो पीछे मेरी किचन काफ़ी सुव्यवस्थित लगेगी एंड आई रियली रियली लाइक दिस सो दिस वन वॉज फॉर रुपीज टू नाइनटी नाइन ओनली सो तीन सौ रुपये में ये पूरा हमें मिल गया एंड आई फील लाइक वेस्ट साइड होम पे काफ़ी महँगा सामान घी है बट अगर आप अच्छे से सर्च करो ना आपको बीच बीच में छोटी मोटी सस्ती चीज़ें भी मिल जाएंगी एंड स्पेशली वन दस अ सेल यू गाइज मस्ट मस्ट गो च

फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के मैं कोई रूल्स नहीं रख रही हूँ इफ़ यू हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो नहीं करना मत करो एंड नीचे बस कमेंट करो कि क्यों आपको इस बार होम डेकोर में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है वाई डू यू वॉन्ट टू शॉप होम डेको या फिर वेबसाइट से आप क्या लेना चाहोगे अगर आपको फाइव थाउजेंड का गिफ्ट कार्ड मिल गया तो एंड दैट इज इट फॉर टू वीडियो गाइज आई रियली होप यू होट आई रियली होप यू विल पार्टिसिपेट इन द गिव अवे मैं नीचे सारे डिस्क्रिप्शन um, लिंक्स अगर मुझे ऑनलाइन वेबसाइट से मिले तो मैं दे दूंगी आई थिंक आप ये ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो ऑन द वेबसाइट ऑफ टाटा क्लिक अगर मेरे को लिंक मिले मैं नीचे जरूर दे दूंगी एंड इफ यू सींग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चेक आउट ऑल द वीडियो लिंक बिलो आई नो यू लव इफ यू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल हिट दैट बेल नोटिफिकेशन टू गर अपडेट्स ऑन एवरी टाइम अपलोड न्यू वीडियो एवरी ट्यूजडे एवरी फ्राइडे अभी तो दिवाली तक काफी वीडियो रोज रोज आने वाली हैं एंड आई सी यू नेक्स्ट टाइम बाय